स्वागत है आपका अखंड भारत टीवी में। मैं नताशा, आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबर। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। संत का तो समग्र जीवन ही सनातन के लिए है, हम सब धर्म के लिए समर्पित है, हम सबका तो कर्तव्य है। परंतु जिस प्रकार से हमारा शिव परिवार वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग तो फिर भी कहीं कहीं अपने आश्रम में आवत्त हैं, आश्रम की व्यवस्थाएं देखते हैं, पर हमारे दाएं भाग में बैठे हैं आदरणीय सदराव पूरे जी, जो संघ के प्रचारक हैं। और संघ के प्रचारक का मतलब होता है समग्र जीवन समर्पित कर देना। अब तो भगवान की कृपा है, कुछ व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई है। मैं 87 में विस्तार कर रहा था, उस समय न तो कार्यालय होता था, न कार्यालय, जब कार्यालय नहीं तो व्यवस्था क्या होगी। फिर भी कोई न कोई हमारा संचालक ऐसे थोड़ा ठीक ठाक होते थे, कोई कमरा दे देते थे, व्यवस्था हो जाती थी। अनेक अनेक परिस्थितियों में काम किया है, आज भी कर रहे हैं। सदराव पुलिस जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सनातन परंपरा का संरक्षण संवर्धन और व्यवस्थित हो सकेगा। आप सभी अपने अपने आश्रम में रह करके बड़ा व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं। पर होता क्या है, 10 लोग मेरे साथ, 10 आपके साथ, 10 उनके साथ, तो फिर सामूहिक रूप से काम नहीं हो पाता। संगठन के साथ मिलकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो बड़ा व्यवस्थित हो जाता है। हम लोगों को जैसे कहीं भी जाए तो हमें लगता नहीं कि हम दूसरी जगह आ गए, हर जगह कार्यकर्ता है, हर जगह कार्यालय, हर जगह अपने लोग हैं। तो संगठन के साथ मिलकर आप कैसे कार्य कर सकते हैं? धर्मांतर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म में अंतर आ ही नहीं सकता। किसी भी देश में हो व्यक्ति, धर्म सदैव एक ही है, इसलिए तो उसको सनातन बोलते हैं, इसलिए धर्मांतर होता नहीं है। लेकिन अपने यहां मतांतर होता है, ईसाइयों में भी और मुसलमानों में भी यह संकल्पना है। बैप्टिस्ट चर्च में जाने वाला व्यक्ति मेथोडिस्ट चर्च में जा सकता है, तो उसने चर्च बदला, अरे मतांतरण उसका भी हो गया। वहां भी जो मूलभूत धारणा है, मूल्य है, सारे दुनिया में वो कभी बदल नहीं सकती। अयोध्या में धर्म वापिस आ गया है, रामो विग्रह वा धर्म का विग्रह है, धर्म वापिस आ गया। तो धर्म वापिस आ गया तो जो गोविंद गिरी जी ने नरेंद्र भाई का वर्णन किया था कि हमने 3 दिन के रहने के लिए कहा था, उन्होंने 11 दिन के लिए तपस्या की, सारे स्वयंसेवकों को, हिंदू समाज को और सबको भाषण में क्या कहा, वो तो तपस्वी है ही, लेकिन हमने भी तपश्चर्या करनी चाहिए। और राजनीतिक बदलने के बाद मंदिर बना, हिंदुओं के पक्ष में सरकार आ गया, कोर्ट भी आ गया, और कोर्ट ऐसा नहीं करता था, इसलिए तो सर प्रधानमंत्री ने उस भाषण में कहा कि कोर्ट में भी न्याय की लाज राखी, इसलिए मैं कोर्ट का भी आभारी हूं, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि कोर्ट भी हिंदुत्व के बाजू में निर्णय देते नहीं थे, अन्यथा वो शिलान्यास के बाद मंदिर का काम रोकने का कुछ कारण नहीं था, वो कोर्ट से रोका गया। काम और मोक्ष, ये चारों जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक विश्व गुरु बनना वगैरह वगैरह भाषण होगा। और अर्थ काम के आधार पर हमारे पास ताकत आएगी, हमारे पास व्यवस्था आएगी, अन्यथा धर्म तो था ही और इतना था कि सारे उत्तर भारत में जब से इस्लाम का आक्रमण आ गया और गांव गांव में रह नहीं पा रहे, अत्याचार हो रहा है, तो इस रावण को मारना है, इसलिए रामलीला शुरू हो गई।
इस्लाम के आक्रमण के बाद ही तो रामलीला गांव गांव में बहुत तेजी से शुरू हो गई। गांव गांव में रामलीला का मैदान होने लगा और एक एक परिवार को वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये राम का काम करने वाले, ये लक्ष्मण का काम करने वाले। और अभी कितना भी विस्थापन हो, रामलीला के समय वो परिवार अभी भी गांव में आता है। ऐसी व्यवस्था बिठाने का प्रयास किया और हिंदू समाज को हिंदुत्व की ठीक जानकारी देना। इसे छोटे छोटे विषय बस्तियों में लेकर जाकर लोगों का धर्म बचाना, ये आने वाले 10-15-20 वर्ष में सारा हिंदू समाज करेगा तो धर्म आया है। आगे धर्म प्रस्थापना के लिए अभी रामलला आया है, राम राज्य लाना है तो करता है। सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार की गोष्ठी के माध्यम से संगठन के साथ मिलकर के हम आगे काम करेंगे। क्या हम यहाँ से इनको ये आश्वासन दे सकते हैं कि हम भी अपने अपने स्थान को घर वापसी का केंद्र बनाएंगे, शुद्धिकरण का केंद्र बनाएंगे? बहुत से यहाँ पर ऐसे संत हैं जिनको कि मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ कि वो काम कर रहे हैं। जो अभी इन्होंने कुछ जातियों का नाम लिया, वो जाति वो वर्ग जो है जो समाज को स्वच्छ रखने का काम करता है, उस समाज को कुछ पारितोषिक देने का कार्य, उनको सम्मानित करने का कार्य तो जो मुझे प्रत्यक्ष में मालूम है कि सत्यदासी महाराज कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं उसमें गया भी हूँ और वहाँ पर गया हूँ, इसलिए पहले उनका नाम आया और अन्य अन्य हमारे कार्यक्रम में वो आते भी हैं। तो हम सब अपने अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो आप सबका समय यहाँ पर लिया और आपने बड़ा कष्ट उठा करके जो यहाँ पर समय दिया है, मैं केवल यही प्रार्थना करूँगा कि वर्तमान समय में जैसा कि अगर ले सके तो सारी व्यवस्था है, जो समय पहले कभी नहीं आया, आज से हजारों वर्ष पहले जो आया और ये मौका हम चूके नहीं। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।